पर्सनली मुझे जो उसके अंदर लगा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है गाड़ी का, कोई ग्लास वगैरह हमने बिल्कुल भी ओपन नहीं किया है. वी कैन जस्ट सी द लुक ऑफ द हेडलैम्प डीआरएल पैनल व्हिच हैज बीन इंस्टॉल्ड इन दिस कार. द स्टारडम गार्ड वंस अगेन इन द ब्लैक एंड सिल्वर एडिशन. द फोग लैम्प डीआरएल जो एलईडी के की हुई है एंड फोग लाइट्स भी एलईडी की लगाई है. रोड पे जो लाइट है वी कैन जस्ट सी द इंटेंसिटी फोकस through an range of light. This is off. This is the parking. This is the side profile look pe rain visors in the mirror concept, black and mirror mein. The mirrors have been coated in the piano black. Once again white and black theme ke concept ke saath bonnet ke upar ye black scooping ki hui hai. Mirror black, window ka lower edge chrome lagaya hua hai. Spoiler iske andar hum log dekh sakte hain. पिलर लाइट्स लगाई हुई है एंड बेस्ट पार्ट इज वंस अगेन द स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट डिफ्यूजर जो विद अ डबल एग्जॉस्ट के साथ क्रोम टिप के साथ जो एक स्टिम्युलेट कर रहा है. वी कैन जस्ट सी द रियर लुक ऑफ द कार इन द कंप्लीट स्पोर्ट्स थीम के साथ है. जस्ट सी द इंटीरियर कॉन्सेप्ट ऑफ द कार विद द वॉलनट फाइबर इंटीरियर, द डैशबोर्ड, द सीट कवर, एक टोटली प्रीमियम लुक आउट ऑफ द बॉक्स. इसको आप हाइड्रोडिप कोटिंग बोल सकते हैं, इसको आप वाटर ट्रांसफर बोल सकते हैं, बट कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं. एंड मैं ज़रूर आपको बोलूँगा दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम द कार्बन फाइबर, बट दिस इज़ नॉट कार्बन फाइबर, इट इज़ अ वॉलनट फाइबर जो हम लोग इसके अंदर थे. सी द फिनिशिंग ऑफ द रियर रो वंस अगेन द वॉलनट फाइबर के साथ जो लेदर कोटिंग की हुई है डोर पैनल्स पे, तो एक शेड जो मैच हो रहा है. एंड रियर रो भी मैं वंस अगेन आपको चेकआउट कराना चाहूँगा. जस्ट सी द फिटिंग ऑफ द सीट कवर वंस अगेन ऑफ द टॉप गियर ब्रांड, वॉलनट एंड वेनिला का कम्प्लीट कॉम्बिनेशन है. फ्लोर मैट्स हम लोग देख सकते हैं, वॉलनट विथ एन ऑरेंज ग्रास उसके ऊपर हम लोग को दिख रही है, कोई लैमिनेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है. बट वंस अगेन कर्टन्स के साथ एक जो हाईलाइटिंग पार्ट है, इट इज़ द इंटीरियर टोटली न्यू कॉन्सेप्ट. एंड जस्ट इसकी फिनिशिंग हम लोग देख सकते हैं, ये कुछ एक्सक्लूसिव है एंड उसके हिसाब से पूरी बात है. तो रियर म्यूजिक सिस्टम भी जो इसके अंदर लगाया हुआ है मोको का, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, जो इक्विलाइजर का फंक्शन इसके अंदर दिया हुआ है, टोटली 36 बैंड इक्विलाइजर के साथ आता है. सराउंड साउंड फंक्शन है कि गाड़ी आप चला रहे हो तो ड्राइविंग मोड पे है तो चारों स्पीकर्स ड्राइवर की तरफ कैलिब्रेट हो सकते हैं, उसके हिसाब से कंप्लीट सेटिंग दी हुई है विद अ स्पेशल बेस बूस्ट फंक्शन जिसमें हम बेस की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं. जोन्स अलग अलग दिए हुए हैं कि आपको आगे की वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, पीछे की वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, एंड इट इज़ विद अ बेस फिल्टर के साथ. सो 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी, चार कंपोनेंट लगाए हुए हैं. वंस अगेन दो ट्यूटर्स इधर माउंटेड हैं जो हमारे मिरर्स के ऊपर हम लोग देख सकते हैं. एंड वंस अगेन वाइप के कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं पीछे के डोर में, तो उसके भी ट्यूटर हम लोग देख सकते हैं कि कैसा क्या है. चार कंपोनेंट्स हैं, कोई कोएक्सियल वगैरह नहीं है. इफेक्ट हम लोग सुन सकते हैं कि क्या.
रिवर्स कैमरा इज ऑल्सो विथ अ ट्रैजेक्टरी जो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं. जैसे ही रिवर्स लेके वी आर इन द मूवमेंट यू कैन सी द ग्राफ शिफ्टिंग एंड क्लैरिटी इसकी हम लोग देख सकते हैं. थोड़ा जूम करना, जस्ट सी द क्लैरिटी ऑफ द रिवर्स कैमरा विद अ ट्रैजेक्टरी मोशन के साथ. म्यूजिक सिस्टम भी जो इसके अंदर लगाया हुआ है, अनप्लग मोको का 5.1 चैनल आउटपुट. इसका मतलब क्या होता है, फ्लिप करना टेप को. जैसे कि एक सोनी और पाइनियर के प्लेयर में हम लोग देखते हैं, ये जो हमको आउटपुट इसके अंदर दिख रहे हैं स्पीकर्स और वूफर्स के लिए, ये जो आउटपुट इसके अंदर हम लोग को दिख रहा है, फ्यूचर में एक वूफर एड ऑन करना होगा जो सोनी और पाइनियर के प्लेयर्स में आते हैं एंड रेगुलर एंड्रॉयड सिस्टम में नहीं आते हैं. एंड ये एक ही प्लेयर ऐसा आता है जो पीछे से सिंगल डिन केसिंग है. जैसे कंपनी का जो प्लेयर हम लोग निकालते हैं वो भी सिंगल डिन फ्रेमिंग में है, ये भी पीछे की सिंगल डिन थर्मल हीट सिंक के साथ है. गर्म वगैरह आपको बिल्कुल भी ये प्लेयर नहीं करता है. इसकी लाइफ ज़्यादा है, 4GB रैम है. फ्लैश ऑफ करना. 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ मोको का प्लेयर इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं. क्विट करके एक बार ये कर ले. मतलब आज ये मैं स्पेशल में खोल के आप लोग को क्यों बता रहा हूँ कि जो खास बात है प्लेयर के अंदर जो आउटपुट हम सुनेंगे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द 5.1 चैनल आउटपुट. एंड जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द प्लेयर. जो एक इंटरफेस इसके अंदर आता है, जो एक मेनूड इसके अंदर आता है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी सिस्टम में जाके ये भी हम लोग देख सकते हैं. इट इज अ 4GB रैम के साथ ये आता है. क्या है बाकी वो 10 इंच 11 इंच सब आते हैं, बट किसी में भी एक स्पीड ऑफ ऑपरेशन इतनी अच्छी नहीं है. प्रीमियम आता है कार. सर का मैं वेलकम करूंगा, मिस्टर श्रेयस जी का. सर कैसी लग रही है गाड़ी एंड जो इंटीरियर स्पेशली किया है? सर आए थे एक्चुअली कार्बन फाइबर के थीम के हिसाब से, बट जो आज किया है सर आप बताइए कैसा लग रहा है? डेफिनेटली जो हमने सोचा था और हम बात कर रहे थे सिंस लास्ट 2-3 मंथ से, जब से गाड़ी बुक की थी हम बात कर रहे थे, बराबर. तो एज पर एक्सपेक्टेशन हो गया, मोर देन दैट हो गया. इंटीरियर जो इंटीरियर किया है स्पेशली कैसा लग रहा है? जो फर्स्ट टाइम, मतलब अब तक हम वुडन फिनिश ही देख रहे थे, बराबर. ये समथिंग न्यू कुछ हमने देखा है. सूट कर रहा है डेफिनेटली. वो इंटीरियर कवर मैट के साथ काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन जा रहा है. एंड व्हाट अबाउट द डीआरएल लाइट्स? डीआरएल तो परफेक्टली, मतलब आज तक हम सिर्फ एब्रोस वाले डीआरएल देख रहे थे, आज एक नया पैनल जो कॉन्सेप्ट.